पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स, ये वाली चीज देखिए, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स क्या है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स, ये आप लोग देख चुके हैं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स बिल्कुल ऐसी चीज है कि दो सेल हैं उनको आपको पैरेलल में जोड़ना है, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। अभी तक आपने जितने भी कनेक्शन वगैरह करते हैं, कहीं भी आप सेल डालते हैं, छोटे छोटे सेल टॉर्च में या रेडियो वेडियो में कहीं पर भी डालते हैं, तो हमेशा सीरीज में होते हैं। वो दिखने में पैरेलल जरूर लगता है, लेकिन वो जो एक बॉक्स बना होता है उसमें कनेक्शन यहाँ से और यहाँ से जा रहे होते हैं। तो एक आप यहाँ पर ऐसे डालते हैं जिसका प्लस इधर और माइनस इधर होता है, दूसरा वाला ऐसे डालते हैं जिसका प्लस इधर और माइनस इस तरफ होता है, और ये यहाँ पे पत्ती होती है जिन दोनों जोड़ रही होती है। तो बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड है, दे आर नॉट इन पैरेलल। पैरेलल में अगर जोड़ना है तब प्रॉब्लम है। और पैरेलल में जोड़ने में प्रॉब्लम क्या है पैरेलल में, ये बताइए। ये मैंने डीसी जनरेटर केस में डिस्कस किया होगा, बट अगेन हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक 10 वोल्ट का और एक 15 वोल्ट की बैटरी है, इनको आपने अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होगा, यहां पर और यहां पर इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर रखा है। अगर ऐसे में इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट कि 15 वोल्ट कि 10 प्लस 15 वोल्ट कि 10 माइनस 15 वोल्ट, 15 माइनस 10 वोल्ट, 10 प्लस 15 बाय 2 वोल्ट, 15 प्लस 10 या 15 इंटू 10, क्या कितना वोल्ट निकल के आएगा यहां से यहां तक। रीजन होना जरूरी है, रीजन जब तक नहीं होगा तब तक जवाब देने का फायदा नहीं है। 6 वोल्ट या 5 वोल्ट कैसे और क्यों, 10 इंटू 15 अपॉन 25, क्यों ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, ये पर्टिकुलर वैल्यू क्यों आएगी यहाँ पर 10 इंटू 15 अपॉन 25, यानी कि 10 प्लस 15 क्यों आ जाएगी। ये तो रेजिस्टेंसेस के केस में होता है, रेजिस्टेंसेस के केस में पैरेलल ऑपरेशन में ये वाली चीज, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जोड़ रखें तो ये वाली चीज होती है। मतलब दिस इज अ नाइस अटेम्प्ट, ये वाली चीज सही है, हो सकता है रेजिस्टेंसेस की तरह बिहेव कर जाए, लेकिन रेजिस्टेंसेस में और वोल्टेज सोर्सेज में कुछ मेन डिफरेंस है। रेजिस्टेंसेज जो होती हैं वो पावर कंज्यूम करते हैं रेजिस्टेंसेज, और वोल्टेज सोर्स जो होते हैं वो पावर देते हैं। तो सप्लाई में और कंजम्पशन में दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो गई होगा। एनी अदर गेस, कोई और गेस? हाँ, ऑफ कोर्स पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। ये बड़ी वाली डंडी जो होती है दिस इज फॉर पॉजिटिव, छोटी वाली डंडी इज फॉर नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से जुड़ा हुआ है। 25, तो इन दैट केस उसमें और इसमें क्या फर्क रह गया, सीरीज में अगर जोड़ेंगे तब 25 वोल्ट आपको मिल जाएगा, 15 वोल्ट, और 15 वोल्ट मतलब यहां से यहां तक मिलेगा, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में क्या होगा, शॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा देखो, ऐसा यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है, ये सब लोगों को एकदम क्लियर होने चाहिए। आपको होपफुली ये वाली चीज़ याद होगी कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी करंट का कनेक्शंस देखने होते हैं तो आप हमेशा कैसे डील करते हैं, कि जैसे आपके पास पानी के ट्यूब्स मौजूद हैं, एग्जाम्पल याद है वाला, ये पानी के ट्यूब्स हैं, इसमें अगर 15 लीटर पानी पर सेकंड अगर यहां पे आ रहा है इस तरफ से, और इसमें से 10 लीटर अगर 10 लीटर पर सेकंड अगर इधर जा रहा है तो यहां पर कितना जा रहा होगा, 5 लीटर इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 लीटर इधर जाने के बजाय मैं इधर जा रहा हूं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इधर ही जा रहा हो लेकिन 5 ना हो, 4 हो या 6 हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। जितना पानी इसके अंदर आ रहा है और उसमें से 15 में से अगर 10 लीटर इधर जा रहा है तो 5 लीटर इस तरफ ही जा रहा होगा, दैट्स इट, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, ये केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ का मतलब इसके लिए क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है, 15 एम्पीयर इधर आ रहा है तो 10 एम्पीयर इधर जा रहा है तो इधर 5 एम्पीयर ही जा रहा है। इस पॉइंट पर जितना सम है, सम विल बी जीरो, सम जो इस पॉइंट पर होगा दैट विल बी जीरो, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 इधर आ रहा है और से 10 भी इधर आ रहा है और 5 इधर निकल रहा है, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता ऐसा।
इसके अंदर जाने वाले करंट टोटल कितने हो गए, 15 + 10 = 25 एम्पियर इसके अंदर घुस रहा है और बाहर निकल रहा है 5 एम्पियर। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक, ये एग्जाम्पल मैं नॉर्मली सबको देता हूँ और होपफुली मैंने डीसी जनरेटर केस में दिया होगा। और ये तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक वहाँ पर छोड़ा था जब डीसी जनरेटर से हम पढ़ रहे थे। मैंने दो चीज़ें आपके लिए ओपन लूप का मतलब छोड़ दिया था कि इसके बाद में डिस्कस करेंगे। और दो क्वेश्चन क्या क्या थे, पहला क्वेश्चन जो अभी इस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो ये था कि जनरेटर्स के केस में देख लेते हैं। जनरेटर्स के केस में कॉपर की वायर लगी होती है, कॉपर की वायर आर्मेचर के अंदर कॉपर की वायर लगी हुई है, कॉपर की वायर जिनको आप पैरेलल पाथ्स के अंदर जोड़ते हैं, पैरेलल पाथ्स में याद है पैरेलल पाथ उनके बनाते हैं। और वो आपको ये याद होगा, मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए 16 कंडक्टर हैं, 16 जेड इज इक्वल टू 16, तो ऐसे में अगर आपने 16 के 16 सीरीज में लगा दिए और एक के अंदर 2 वोल्ट बन रहा है तो यहाँ से आता कितना मिलेगा आपको, 32 वोल्ट। ठीक है, अगर 4 इसको जोड़ दिया आपने 8 × 2 के स्टाइल में कि मतलब 8 इधर और 8 इधर और तब जोड़ दिया तब कितना वोल्टेज मिलेगा, 16 + 16 मतलब कितना कितना वोल्टेज हो गया यहाँ से आता, 16 वोल्ट 32 कैसे, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा तो 16 वोल्ट इधर बन रहा है 16 वोल्ट इधर बन रहा है। इसमें पूरा यहाँ से आया था 32 वोल्ट बन रहा है, इसमें 16 वोल्ट बन रहा है। अगर 4 आपने लगा दिए 1 2 3 4 ऐसे पाथ बना दिए तब कितना मिलेगा, 8 वोल्ट। एक कनेक्टर के अंदर 2 वोल्ट बन रहा है और 4 आपने इधर लगाए फिर 4 लगाए फिर 4 लगाए फिर 4 लगाए, कनेक्टर आपके पास 16 ही है। अगर आपने ऐसे लगा दिए तो आपको कितना वोल्ट मिल रहा है, 8 वोल्ट। तो इन तीनों के अंदर फर्क क्या हो गया, वोल्टेज की वैल्यू कम होती आ रही है और करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। करंट ये ज़्यादा दे सकता है क्योंकि एक पाथ में मान लीजिए इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 एम्पियर है तो इसमें 5 और 5 10 एम्पियर मिल जाएगा, इसमें 5 5 5 5 इसके अंदर 20 एम्पियर। तो इसके केस में क्या हो रहा है, जितना वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है उतना करंट की वैल्यू कम होती आ रही है, जितना वोल्टेज की वैल्यू कम होती आ रही है जितने आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ा देंगे उतना एक मान लीजिए एक लंबी सी आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है इतना लंबा, उसको आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। या तो आप ये वाला काम कर सकते हैं कि पूरी डंडे को एक तरह से यूज कर लें या उसको आप बीच में 2 टुकड़े में बांट दीजिए तो उसमें लंबाई कम हो गई लेकिन उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई, उन्हीं को फिर से आधे आधे टुकड़े में बांट दीजिए और 4 डंडे रख दीजिए तब क्या होगा, और थिकनेस की वैल्यू और बढ़ जाएगी लेकिन लंबाई की वैल्यू और कम हो जाएगी। वही इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती आ रही। तो इसमें मैंने ये पूछा था कि एक कंडक्टर के अंदर जिसके अंदर 2 वोल्ट बन रहा है वो कंडक्टर बेसिकली क्या है, आर्मेचर की कॉपर की बार है, कॉपर बार का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, कॉपर बार बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में 2 वोल्ट कैसे बन रहा है, शॉर्ट सर्किट के दोनों सिरों पर 2 वोल्ट कैसे आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन था। आंसर बेसिकली इसका ये है कि इसके अक्रॉस आप वोल्टेज दे नहीं रहे हैं, बैटरी जो होती है बैटरी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट, उसमें दोनों सिरों पर ईएमएफ बन रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है, वो वाली चीज़ है। एनीवे दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, अभी उससे मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बेसिकली क्या था, दूसरा क्वेश्चन याद करिए, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर 2 बैटरी जिनको पैरेलल में अगर आप जोड़ दें तो ऐसे में क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन बेसिकली ये था। तो इसका जवाब मैं आप बताता हूँ, जैसे वाटर ट्यूब्स पानी की जो ट्यूब्स हैं उसके तरीके से मैंने अभी आपको ये वाली चीज़ बताई करंट का फ्लो किस तरह का होता है, उसी तरीके से वोल्टेज सोर्सेस किस तरह के होते हैं कि जैसे 10 वोल्ट का है इसका मतलब है कि पानी की टंकी है, इसमें 10 मीटर तक पानी भरा हुआ है, 15 वोल्ट की बैटरी इसका मतलब क्या है, 15 मीटर तक पानी भरा हुआ है, अब ऐसे में अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं पैरेलल में तो ये हो जाता है, क्या होगा, लेवल दोनों का बराबर हो जाएगा 12.5। क्यों बराबर हो जाएगा, अगर आपने 2
अलग अलग लेवल के जो कंटेनर्स थे उनको अगर आप जोड़ दें तो उन दोनों का लेवल बराबर क्यों हो जाएगा? ऐसा क्यों नहीं कि इसमें 15 ही रहे, इसमें 10 ही रहे, ऐसा क्यों हो जाएगा? वाटर सीक्स इट्स ओन सरफेस। मेन चीज क्या है कि आपको इतना पता है कि पानी का सरफेस हमेशा फ्लैट रहता है, उसका हाइड्रोलिक्स के अंदर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमेशा फ्लैट रहता है। इसीलिए इस केस में दोनों के वैल्यू बराबर हो ही जाएगी। उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप यहां देखें तो आप कितना वोल्ट निकल के आएगा? 12.5 वोल्ट। और ऐसा क्यों होगा? मेरे को एक लॉ का नाम सुनना है, ये वाले लॉ तो सब लोगों को पता होनी चाहिए, केवीएल, दैट्स करेक्ट, करचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम सब लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं और इलेक्ट्रिकल वालों को ये ऑनर, ये बड़ी गर्व की बात है, ये हमको प्राप्त कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आप किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, हर पॉइंट पर खाली 3 लॉज ऐसी हैं जो हर जगह वैलिड होंगी। E=mc2, वो भी फेल कर जाएगा, आइंस्टीन का जो इक्वेशन था, रिलेटिविटी वाली थ्योरी है, वो भी फेल कर जाएगी कहीं ना कहीं, ब्लैक होल्स के अंदर वो भी फेल कर जाएगी, लेकिन ओम्स लॉ, करचॉफ्स करंट लॉ और करचॉफ्स वोल्टेज लॉ हर जगह वैलिड हैं। ये तीनों हर जगह, ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, हर जगह वैलिड। तो इसका मतलब क्या है कि केवीएल एक ऐसी लॉ है जिसको सेटिस्फाई होना ही होना है। अब ऐसे में अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इतना आसान काम है कि आप सोच के लगेगा ये पहले हमारे समझ में क्यों नहीं आया। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, करचॉफ्स वोल्टेज लॉ हैज टू बी सेटिस्फाइड, पैरेलल सर्किट्स के अंदर वोल्टेज बराबर रहने ही रहना है, क्या होगा? ये 10 वोल्ट पर जा सकता है, ये 10 वोल्ट पर जाने की कोशिश करेगा, ये अपना वोल्टेज कम करने की कोशिश करेगा और ये अपना वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो नतीजे क्या होगा? इस ये कम करने के लिए इसके पास रास्ता कौन सा बचा? खाली ये बचा। तो ये इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा, इसको चार्ज करेगा, इसका वोल्टेज बढ़ाएगा और अपना वोल्टेज कम करेगा। सिंपल सा यही वाला काम होना। उस कंडीशन में इन दोनों का थ्योरेटिकली, केवल थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली तो ये जल जाएगी, मतलब जल जाएगी, मतलब ये बुरी तरह से इसके अंदर चार्जिंग करने की कोशिश करेगा। जो 10 वोल्ट की बैटरी है वो कभी 12 वोल्ट पर पहुंच ही नहीं सकती, तो बेसिकली जल जाएगी, इसके अंदर कनेक्शन आपके जल जाएंगे, खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पैरेलल सर्किट्स के अंदर कि वोल्टेज दोनों के बराबर रहने चाहिए। ये पूरा इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन खाली ये समझने के लिए था कि पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज दोनों के बराबर होने चाहिए। वोल्टेज अगर बराबर नहीं है तो आप उन दोनों चीज़ों को साथ में जोड़ नहीं सकते। क्लियर? ये वाली चीज़ सब याद आ गई। डीसी जनरेटर्स के केस में आपको खाली इतना देखना था कि दोनों जनरेटर्स का, दो जनरेटर्स जो आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं, उनका वोल्टेज बराबर होना चाहिए। एक का अगर 220 वोल्ट है तो दूसरे का भी 220 वोल्ट ही होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 220 वोल्ट है तो दूसरे का 250 वोल्ट हो गया, 260 वोल्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर एक दो वोल्ट ऊपर नीचे है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उतना तो ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस के अंदर, आर्मेचर रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप हो गया, लोड रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप हो गया, सीरीज फील्ड में, शंट फील्ड में ड्रॉप हो गया, ड्रॉप की तरह से निकल जाता है थोड़ा बहुत। मतलब जैसे सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन मोटरसाइकिल जो आप लोगों के पास में है उसमें शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं, शॉकर्स लगे होते हैं, शॉकर अगर नहीं लगे हो तो क्या होगा? अगर एक इतना सा भी पत्थर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पत्थर आया, ठीक है ना? तो सस्पेंशन बेसिकली क्या करता है कि थोड़ा सा टॉलरेंसेस देता है, तो उतनी टॉलरेंस अगर एक दो वोल्ट की अगर है, एक दो वोल्ट, तीन, दो तीन वोल्ट की अगर टॉलरेंस है तो उतनी टॉलरेंस के अंदर है, होती है एडजस्ट करने की, लेकिन ज़्यादा बड़ी टॉलरेंस नहीं है। आप ये नहीं कि आपने शॉकर उसके अंदर लगा दिया और एक फीट गड्ढे में से आपने निकाल दिया, सोचा कि अब तो मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो वही चीज़ है, टॉलरेंस एक लिमिट तक उसके अंदर हो सकती है। तो डीसी जनरेटर्स के केस में आपको खाली ये ध्यान देना होता है, जो मशीन्स हैं उन दोनों को वोल्टेज बराबर होना चाहिए। ऑल्टरनेटर्स के केस में इतना काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? बोले चीज़ देखिए, देखिए ऑल्टरनेटर्स केस में क्या है, अगर आपने दो ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया, तो मान लीजिए कि ऑल्टरनेटर एक ये था, एक ऑल्टरनेटर ये था, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, सिंगल फेज ऑल्टरनेटर केस लेकर बता रहा हूँ, इसकी सप्लाई वोल्टेज जो निकल के आ रही है वो है ये, ठीक, और इसकी जो सप्लाई वोल्टेज निकल के आ रही है वो है ऐसी, अब आपने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, क्या होगा?
इसकी वजह से जिस टाइम यहां पर प्लस 10 वोल्ट आएगा, इसकी वजह से यहां पर माइनस 10 वोल्ट आएगा, इसकी वजह से जिस टाइम यहां पर प्लस 20 वोल्ट आएगा यहां पर माइनस 20 वोल्ट आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें प्लस वोल्ट आ रहा है, इसमें माइनस वोल्ट आ रहा है, दोनों को पैरेलल में आपने जोड़ दिया, कितना वोल्टेज हो गया टोटल, जीरो। तो आपने की वाला काम कर दिया, 11000 वोल्ट का 11 केवी का जो अल्टरनेटर था, दो 11 केवी के अल्टरनेटर्स, उन दोनों को आपने डेड शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया। अगर आपने ऐसा सिस्टम कर रखा है तो मान लीजिए दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर भी थी, बिल्कुल सेम थी, लेकिन जिस पॉइंट पर आपने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा, एक स्विच है यहां पर, एक स्विच है, इस स्विच है, जिस टाइम आपने स्विच जोड़ा ऑन किया, उस टाइम इसका साइकिल स्टार्ट हुई थी, इधर वाली पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी और दूसरे वाले की नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी, और आपने दोनों को जोड़ दिया, तो आपने शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया पूरा 11000 वोल्ट और मे बी से 800-900 एम्पियर शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, इरिपेरेबल डैमेज, डैमेज इतना ज्यादा हो जाएगा, नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, दोनों अल्टरनेटर्स को उठाकर फेंकना पड़ेगा, नए अल्टरनेटर्स बनाने पड़ेंगे, विच आर वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्ट। ठीक, तो ये आप ये वाला काम नहीं कर सकते। प्लस एक और प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो साइकिल है वो एक पॉइंट पर स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक, एक साथ दोनों की साइकिल स्टार्ट होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और थी। अब इन दोनों वोल्टेजेस को आपने एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दिया, ठीक है, दोनों वोल्टेजेस को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दिया, दोनों को एक दूसरे के ऊपर पैरेलल भी जोड़ दिया, तो सप्लाई कैसी हो जाएगी, देखो एक की साइकिल चल रही थी ऐसी, दूसरे की साइकिल चल रही थी ऐसी, मतलब ये प्रॉब्लम समझना बड़ा जरूरी है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये अगर आप समझ गए सारी सारी, तो आप एग्जाम के अंदर अपने आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रटने की बात नहीं। ये मेरा पहला पॉइंट, दोनों वोल्टेजेस बराबर होने चाहिए, एक साथ स्टार्ट होने चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा, ये सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, बस ठीक है। तो ऐसे ही वाला पॉइंट भी समझ में आएगा, बड़ा आसान काम। अब इसमें देखिए, दोनों मान लीजिए एक पॉइंट पर स्टार्ट भी हो गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक साथ स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद कुछ देर के बाद में अगर आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यहां पर ये बढ़ रहा है, यहां पर ये कम हो रहा है। ये वाला पॉइंट देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर देखो। कहीं आपने मैकेनिक की शॉप पे कहीं अगर देखा हो कि जहां पर दो जने अलग अलग काम कर रहे हैं, दो मैकेनिक्स हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, एक के पास बड़ा वाला हथौड़ा है और उससे वो स्पीड में कुछ किसी चीज को ठोक रहा है, दूसरे के पास में छोटी वाली हथौड़ी है और उससे वो स्पीड में ठोक रहा है, तो आपको आवाज कैसे सुनाई देगी, दोनों जुड़ गए, ये समझ में आ रहे हो, किसी पॉइंट पर दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, खड़क 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 की आवाज आएंगे, जहां दोनों बिल्कुल जुड़ जाएंगे वहां पर दोनों एक साथ बज रहे होंगे। तो इसका नतीजा क्या है कि जो आपको आउटपुट साइकिल मिलने वाली है वो क्या होगा, किसी पॉइंट पर जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं वहां पर तो दोनों एक साथ बढ़ जाएंगे, और जहां पर दोनों दूसरे को अपोजिट चल रहे हैं वहां बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आपको नेट साइकिल किस तरह की मिलने वाली है, जहां दोनों एक दूसरे को जोड़ दिया है वहां पर ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, फिर उसके बाद वोल्टेज कम होना शुरू हो गया और होते होते बिल्कुल जीरो हो गया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर बढ़ गया और फिर कम होना शुरू हो गया, ये वाली चीज इस तरह का मिल जाएगा। जहां पर दोनों एक दूसरे को मैच कर गए, जहां बिल्कुल दोनों की फ्रीक्वेंसी के मतलब दोनों के वोल्टेज मैच कर गए वहां पर आपको वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, फिर दोनों में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होती आ रही है, होते होते जहां पर बिल्कुल अपोजिट हो गए वहां पर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, जीरो, फिर दोनों बढ़ना शुरू हो गया। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम भी निकल के आ रही है। फेज सीक्वेंस इज अनदर प्रॉब्लम। फेज सीक्वेंस क्या चीज है, फेज सीक्वेंस कितने तरह का होता है, केवल दो, एक आर वाई बी, दूसरा वाई बी आर और बी आर वाई और
दो ही तरह कैसे, दो तरह कैसे होता है, तीन तो मेरे को ये दिख रहे हैं, कैसे मेरे को तो तीन दिख रहे हैं, और क्या हो गया, और बताया था हूं मैं, बी वाई आर हो गया, कई तरह के निकल के आ जाएंगे, दो कैसे बोल रहे हो, ये फेस सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब क्या है, आर के बाद वाई आया, वाई के बाद बी आया, बी के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, बी, ये चल रहा है, तो इसका मतलब आर वाई बी, वाई बी आर, बी आर वाई, ये तीनों तीनों बेसिकली एक ही चीज है। तो दूसरा फेस सीक्वेंस क्या हो गया, तो खाली दो ही तरह के फेस सीक्वेंस होते हैं, दूसरा होता है आर बी वाई, आर बी वाई, इसके अंदर सब कवर हो जाएंगे सर, आर वाई बी और आर बी वाई, कोई से भी दो फेस उल्टे कर दीजिए, दूसरा साइकिल हो गया, दूसरे सीक्वेंस हो गया, एक सीक्वेंस अगर पॉजिटिव साइड में है मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दूसरा सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक, दो ही तरह के फेस सीक्वेंस होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइए, फेस सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरे के बाद फिर से पहला आया, पहले के बाद फिर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, गोल गोल घूम रहे हैं। अब फेस सीक्वेंस की वजह से क्या है, अगर फेस सीक्वेंस दोनों के बराबर नहीं हुए, एक पॉजिटिव साइकिल जा रही है इस तरफ, दूसरी नेगेटिव साइकिल जा रही है, नेगेटिव साइकिल नहीं मतलब एक पॉजिटिव फेस सीक्वेंस चल रहा है, आर वाई बी चल रहा है, दूसरा आर बी वाई चल रहा है, और ऐसे में दोनों को आपने जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट फिर से हो गया, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसीलिए बेसिकली अगर आप समझें तो तीन चीजें ऐसी हैं जो इनके अंदर ऑल्टरनेटर्स केस में तीन चीजें सेम होनी चाहिए, नंबर वन इज वोल्टेज, नॉट केवीए, केवीए नहीं, केवीए रेटिंग नहीं, वोल्टेज रेटिंग दोनों की सेम रहनी चाहिए। केवीए रेटिंग में और वोल्टेज रेटिंग में फर्क क्या है, वोल्टेज रेटिंग और केवीए रेटिंग दोनों में फर्क क्या होगा, बेसिकली क्या है, वोल्टेज रेटिंग इज ओनली वोल्टेज रेटिंग, केवीए रेटिंग में आप ये देख रहे हैं कि करंट रेटिंग कितनी है उसकी, सिंपल, वोल्टेज तो सेम है ही, इसके अलावा आई और आ गया, वी और आई, केवल आई और आ गया, तो एम्पियरेज रेटिंग जो है करंट रेटिंग वो कितनी है, वो वाली चीज़ आप देख, तो दोनों के वोल्टेज सेम होने चाहिए, केवी रेटिंग कम ज़्यादा हो सकती है, का मतलब ये है कि करंट कम ज़्यादा दे सकते हैं, कोई 20 एम्पियर दे रहा है, कोई 30 एम्पियर दे रहा है, कोई 40 एम्पियर दे रहा है, लेकिन दोनों की वोल्टेज रेटिंग बराबर होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक। दूसरा फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मोर लेस सेम रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे है तो उसको सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसीजर पूरा है उस प्रोसीजर से आप फ्रीक्वेंसी को बराबर कर देंगे, नहीं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहनी चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन का टाइम जिस टाइम चल रहा है, जब पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी दोनों की बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए। और तीसरा है फेस सीक्वेंस, ये दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक, ये दोनों का फेस सीक्वेंस भी दोनों का बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी ये वाला काम करेंगे। अब देखिए कि पैरेलल ऑपरेशन किस तरह से होता है, सिंक्रोनाइजेशन, पैरेलल ऑपरेशन में ये कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, दो ऑल्टरनेटर्स रखे हुए हैं, एक ऑल्टरनेटर वो है जो आपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जोड़ रखा है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जोड़ रखा है का मतलब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ग्रिड है, ये ग्रिड है, इस ग्रिड में एक ऑल्टरनेटर यहां से पावर फीड कर रहा है, एक ऑल्टरनेटर यहां से पावर फीड कर रहा है, एक ऑल्टरनेटर यहां से पावर फीड कर रहा है। अब आपको एक ऑल्टरनेटर यहां पर और जोड़ना है, जिस ऑल्टरनेटर को जोड़ना है, दिस ऑल्टरनेटर इज नोन एज इनकमिंग ऑल्टरनेटर, इसको कहते हैं इनकमिंग ऑल्टरनेटर। इनकमिंग ऑल्टरनेटर जो है ये वो वाला ऑल्टरनेटर है जिसको आपको इसमें जोड़ना है, ठीक है, इसमें लाकर जोड़ना है। अब इसको जोड़ने से पहले मतलब जोड़ने का बेसिकली दो तरीके हैं, एक तो ये क्या है कि दिस ये जो बस बार्स हैं, जिस बस बार के अंदर आपने सारे जनरेटर आपने जोड़ रखे हैं, दीज आर नोन एज इन्फिनाइट बस बार्स, इन्हें कहते हैं इन्फिनाइट बस बार्स। इन्फिनाइट बस बार्स का मतलब क्या है, इन्फिनाइट बस बार्स का मतलब क्या है कि ऐसी बस बार जिनके अंदर वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, आप ये मान के चलते हैं कि इनके अंदर वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, हर एक थोड़े थोड़े दूर पर आप इसमें वोल्टेज देते जा रहे हैं, नतीजा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर जीरो है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो एक अगर बहुत बड़ी सी अगर बस बार है जिसमें आपने यहां से पावर दे रखा है, तो उसमें कुछ देर के बाद में यहां पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहां पर हो जाएगा, यहां पर अगर बढ़े, यहां पर मान लीजिए आपने 240 वोल्ट दिया था, तो कुछ देर के बाद में 235 हो जाएगा, कुछ देर के बाद में 230 हो जाएगा, यहां पर 225 हो जाएगा, यहां पर 220 हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा उसके अंदर।
लेकिन यहां पर आपने इसके अंदर दे रखा था, यहां पर आपने फिर से दोबारा से एक ऑल्टरनेटर उसे और 240 वोल्ट दे दिया, तो नतीजा क्या है कि फिर से 240 वोल्ट हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप उसके अंदर नहीं हो रहा है। तो आप ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिट बस बार का मतलब यह है कि दो बस बार्स विच आर आइडियल, आइडियल बस बार्स, घरों के अंदर ये जितनी सप्लाई है इस पूरी सप्लाई को आप ये मान के चलते हैं कि दिस इज आइडियल बस बार्स, ये आइडियल सप्लाई है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। हो रहा है प्रैक्टिकली तो हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इनकमिंग ऑल्टरनेटर को दो अलग अलग तरीके से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। पहला है इन्फिनिट बस बार से, इसका मतलब एक पूरी ग्रिड थी, उस ग्रिड के अंदर आपको जोड़ना है। ग्रिड में चार पांच ऑल्टरनेटर, चार पांच पावर सिस्टम्स पहले से उसके अंदर जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा आपको एक पावर सिस्टम और जोड़ना है उसके अंदर, पावर प्लांट, एक पावर प्लांट और उसके अंदर जोड़ना है। दैट इज बेसिकली नोन एज सिंक्रोनाइजेशन टू इन्फिनिट बस बार्स। दूसरा क्या सिस्टम है, दूसरा छोटा लेवल का सिस्टम है कि एक ऑल्टरनेटर है और इस ऑल्टरनेटर के साथ में इस ऑल्टरनेटर को जोड़ना है। समझे, दोनों में फर्क समझ गए। एक क्या है, एक पूरी ग्रिड है जिसके अंदर चार पांच सात आठ जितने भी कई तरह के पावर प्लांट्स हैं वो सब अपने पावर्स के अंदर फीड कर रहे हैं, उसके साथ में आपको इसको जोड़ना है नए वाले ऑल्टरनेटर को, इनकमिंग वाले को। दूसरा क्या है, छोटे लेवल का चीज़ है, एक ऑल्टरनेटर उसी एक के साथ में दूसरे वाले को जोड़ना है। दोनों का तरीका सेम है, दोनों के तरीके में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। बस खाली इनको बोला जाता है सिंक्रोनाइजेशन टू इन्फिनिट बस बार्स और सिंक्रोनाइजेशन टू अनदर ऑल्टरनेटर, ये वाली चीज़ दो अलग अलग तरीके हो गए। मैं थ्री फेज ऑल्टरनेटर वाला लेके करके आपको दिखा रहा हूँ, और सिंगल फेज ऑल्टरनेटर वाला बड़ा आसान काम है, तो अपने आप हो जाएगा। देखो ये बस बार्स, इन्फिनिट बस बार्स, इसके साथ में आपको ये वाला ऑल्टरनेटर जोड़ना है जिसके अंदर से ये तीन तार इसमें से बाहर निकल लें, ठीक। ये रहा आर, ये रहा, मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरा ऑल्टरनेटर बना देता हूं और क्लियर हो जाएगा। ये वाला सप्लाई इसमें दे रहा है, ये वाला इसमें दे रहा है, और ये वाला इसमें दे रहा है, ठीक। तो जब आपको जोड़ना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसका अगर आर वाई बी ऐसा चल रहा है, दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी, अगर ऐसा है तो इसका भी आर वाई बी, लेट अस कॉल दिस आर वन वाई वन बी वन, इन्हीं से जाकर जुड़े और बिल्कुल सही तरह जुड़े, सही पॉइंट पर जुड़े। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि आप जोड़ने से पहले, जोड़ना क्या है, ये तार इसमें से आ रहा है, ये तार इसमें से आ रहा है, ये तार इसमें से आ रहा है, और ये स्विच है TPST स्विच, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच, इसको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। स्विच ऑन करना बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ में ये प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी रह गई है। खाली तरह से काम कि स्विच को ऑन करके जोड़ देना है। जिस पॉइंट पर आपको ऑन करना है वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिससे हम दोनों के वोल्टेज तो बराबर हो ही, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो, और दोनों के फेज सीक्वेंस भी दोनों के बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल चल रहे हों, एग्जैक्टली, तभी आपको इसे ऑन करना है, वरना ऑन नहीं कर सकते। तो सारी कंडीशंस बिल्कुल सही तरीके से चेक करना, और चेक करने के बाद में जब आपको लगे कि बिल्कुल सही सेट हो गई, उस पॉइंट पर स्विच को ऑन कर देना, ऑन कर देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन, इसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ठीक। क्या ये वाला मतलब कैसे करते हैं बात की बात है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्या ये वाली चीज समझ में आ रही है सुनो को? खाली आपको ये चेक करना है कि सारी वैल्यूज उन दोनों के अंदर बराबर हैं, और वो जब पूरा आपको पता चल जाए उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करते ही ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन, ठीक।